स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द बायोलॉजी ऑफ 11th क्लास. सो इन 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर थर्ड इज गोइंग ऑन. इन चैप्टर थर्ड टुडे वी विल टीच यू अबाउट एल्गी. एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एल्गी में होता है. मैंने आपको बताया था एल्गी में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, वो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स है ना, टू गैमिट्स के फ्यूज होने से होता है. दीज गैमिट्स कैन बी फ्लैजलेटेड. ये गैमिट कैसे हो सकते हैं? कैन बी फ्लैजलेटेड. फ्लैजलेटेड बत्ती के समान संरचना फ्लैजलेटेड कहलाती है. ठीक है. एंड सिमिलर इन साइज, और साइज में बराबर हो सकती है. दोनों गैमिट कैसे हो सकते हैं? फ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज, साइज में सिमिलर हो सकते हैं. इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है स्पायरोगायरा में. ठीक है. एग्जाम्पल एज स्पायरोगायरा. अब देखिए, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस. आइसोगेमस मीन्स दैट जिसमें सिमिलर साइज के होते हैं वो आइसोगेमस कहलाता है. ठीक है. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिमिलर साइज के गैमीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइसोगेमस. फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज. जब कैसे होते हैं? टू गैमीट्स डिसिमिलर होते हैं, मीन्स दैट एक ही साइज के नहीं होते हैं. इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना, यूडोराइना की स्पीसीज में ऐसा होता है. इस टर्म एज एन आइसोगेमस. तो उस प्रोसेस को एन आइसोगेमस कहते हैं. देखिए, वेरी सिंपल. जब दोनों गैमीट्स एक ही साइज के होते हैं तो आइसोगेमस कहलाता है रिप्रोडक्शन. जब दोनों गैमीट्स डिसिमिलर होते हैं, जैसा एंडोराइना की स्पीसीज में होता है, तो इसको एन आइसोगेमस बोलते हैं. ठीक. आइसोगेमस और एन आइसोगेमस. अब देखिए, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल. अब क्या होता है, जब सिमिलर और डिसिमिलर भी ना हो, कैसे हो? फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल. एक कैसा हो? लार्ज और वो भी नॉन मोटाइल, अचलायमान, अगतिशील हो, जिसको स्टेटिक बोलते हैं. दूसरा हो फीमेल गैमिट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट. एक स्मॉलर हो मेल गैमिट, स्मॉलर हो और कैसा हो? मोटाइल हो. और फीमेल गैमिट कैसा हो? फीमेल गैमिट लार्ज और नॉन मोटाइल हो. ठीक. तो इस प्रोसेस को ऊगेमस बोलते हैं. ऊगेमस ऐसी प्रोसेस होती है बॉलबॉक्स फ्यूकस में. बॉलबॉक्स फ्यूकस में अब देखिए, इसमें आपने दो तीन चीज़ें पढ़ी, थ्री. एक तो पढ़ा कि इसमें आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस. आइसोगेमस में क्या होता है? सबसे पहले रिप्रोडक्शन में क्या बताया कि रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टू गैमिट्स, मीन्स दैट फ्यूजन ऑफ टू गैमिट, टू गैमिट के फ्यूज होने से होता है. दीज गैमिट्स कैन बी फ्लैजलेटेड. ये दोनों गैमिट्स फ्लैजलेट हो सकते हैं. ठीक है. सिमिलर इन साइज, साइज में सिमिलर होते हैं. और जब सिमिलर होते हैं तो ऐसा रिप्रोडक्शन होता है स्पायरोगायरा में. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस. ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस बोलते हैं. फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डिसिमिलर. जब डिसिमिलर गैमिट होते हैं, स्पीसीज एंडोराइना में होता है ऐसा, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को एन आइसोगेमस बोलते हैं. जब टू गैमिट्स होते हैं, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट, ऐसी प्रोसेस ऊगेमस कहलाती है. एग्जाम्पल ऐसी प्रोसेस का बॉलबॉक्स फ्यूकस. सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.